नमस्कार। हर दिन एक महत्वपूर्ण होता है और आज 20 जून बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा विश्व आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मना रहा है। ये बात अलग है कि जम्मू कश्मीर में जो शरणार्थियाँ खास करके पश्चिम पाकिस्तान के, उनके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, देश में रहते हुए वो बेगाने हैं और इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। इनके लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे श्री लब्बा राम गांधी जी, आज लब्बा जी जो दिन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और आप भी उसी श्रेणी आते हैं। म्यांमार, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि देश हमारे में जिस तरह दलाई लामा जी को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया है, वो भी बाहर से शरणार्थी हैं, मगर आप लोगों की जो हालत है वो लब्बा राम जी है ऐसी, क्यों क्यों सरकार दोहरे मापदंड अपनाती है? मैं जी कहना चाहता हूँ, एक मुहावरा है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, वही चीज़ें जो है वो हम पे लागू हैं। हम भारत का जब बंटवारा हुआ, ये कम्युनल बेस पे हुआ 1947 में, यो लोग रेस्ट ऑफ द कंट्री चले गए, दे आर वेल सेटल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनमें से कई ऐसे लोग थे जो प्राइम मिनिस्टर तक बन गए। हमारे बुजुर्ग जो थे, ये सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जो था ये बिल्कुल नियरेस्ट था जम्मू कश्मीर के साथ, और ये लोग मेजॉरिटी में गाँव में रहते थे। जब तक इन लोगों को पता चला कि यहाँ कम्युनल क्लासेस शुरू हो गए हैं तो इनको भागना पड़ा, नहीं थी जम्मू कश्मीर था, अगर ये यहाँ नहीं आते तो कतलेआम में ये लोग मारे जाते। तो ये बड़ी मुश्किल से जाने बचा के हिंदुस्तान से जहाँ आए, और ये बंटवारा जो था इन्होंने अपनी कुर्सी की खातिर किया, इसमें किसी गरीब का या किसी पब्लिक का कोई दोष नहीं था। और 70 सालों से जहाँ हमारे बुजुर्ग आए थे, और आज चौथी जनरेशन हमारी जहाँ ख़त्म होने जा रही है, मैं चौथी जनरेशन में आता हूँ, तो आज भी हमारे घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है आज की डेट में, यानी कि 2019 में, तो उस बच्चे को उसका जो पड़ोसी है, जो जहाँ का रहने वाला, जम्मू कश्मीर का रहने वाला, वो उसको कहता है कि ये पाकिस्तानी है। यानी कि दुख इस बात का है कि बाई बर्थ उसको पाकिस्तानी कहा जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इसको चलाती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे आता है और हम भी तकरीरें करते हैं, गवर्नमेंट भी सुनती है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बहुत ही शर्मनाक बात है। हमने तो जहाँ तक कहा केंद्र सरकार को कि अगर जम्मू कश्मीर वाले कहते हैं कि ये लोग हमारे नहीं हैं, ये गेस्ट हैं हमारे, तो हमें हिंदुस्तान से, अगर जम्मू कश्मीर बोलते कहती है कि हमारी स्टेट ही इलाके है, हमारा हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें रिफ्यूजी का जो दर्जा वो तो मिलना चाहिए, ताकि जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होती है बाहर की, जो जो दूसरे रिफ्यूजीज के लिए आती है, उनका फायदा है, जो गरीब परिवार। लब्बा जी, जो जम्मू के अंदर बहुत से बांग्लादेशी, बहुत से म्यांमार वाले, उनके परमानेंट स्टेट सब्जेक्ट भी कईयों के हैं, आधार कार्ड भी हैं, मगर जो वास्तव में अपने इज्जत बचाकर सियालकोट से दूसरी तरफ निकले, भारत की तरफ आ गए, उनके साथ ऐसा है? और ख़ास करके इन दिनों, जबकि कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, 5 साल पहले सरकार थी, अभी भी है, तो क्या लगता है आपको कब अच्छे दिन आएंगे? देखिए, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, डेमोक्रेसी में ज़्यादातर जो पार्टियाँ जो मूर्ख बनाती हैं, उनको वोट बैंक की ज़रूरत होती है। वोट बैंक के टाइम पर जितने मर्जी लुभाव ने भाषण इनसे ले लो, जितने मर्जी इनसे वादे करवा लो, उसके लिए ये पीछे हटते नहीं। मैं जहाँ तक कहना चाहता हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं है ऐसी बात बोलने में, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जो आज की डेट में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, बिल्कुल उस समय प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, तो इन्होंने यहाँ हीरानगर में एक रैली की, और जब रैली की तो इन्होंने वादा किया कि मेरी सरकार आएगी तो मैं 90 दिन के अंदर अंदर सबसे पहले वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को जम्मू कश्मीर की नागरिकता दिलवाऊंगा। और आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि 5 साल इन्होंने पहले सरकार चलाई, अब दूसरी बार सरकार चली गई, धारा 370 के लिए भी इन्होंने एक मैनिफेस्टो में डाला कि हम इसको तोड़ेंगे, 35A के लिए हम बात करेंगे, लेकिन जब कुर्सी मिल गई तो बेहतर 5 साल ये फिर ठंडे बस्ते में। तो क्या लगता है लब्बा राम गांधी जी, आप फिर अगले 5 साल इंतजार करेंगे, फिर चुनाव होंगे, फिर चुनावी वादे होंगे, या कहीं पर आपको उम्मीद है कि पश्चिम पाकिस्तान के निवासियों का, जिसे हम यहाँ की भाषा में बोलते हुए दर्द होता है, शरणार्थी बोलते हैं, इंसाफ मिलेगा? बात ऐसे है कि हमारा जो परिवार है, जितने भी हमारे लोग हैं, ये बेसिकली हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और हिंदू की एक मेंटालिटी ऐसी होती है, वो अपने जान से कोई बुरा नहीं करना चाहता,
60 साल कांग्रेस ने भी वो बनाया हमारे लोगों को, और हमारी यही सोच थी कि शायद कोई ना कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें मिले। जब सरदार मनमोहन सिंह जी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर बने तो हमारे रिफ्यूजियों ने एक आस लगाई थी कि हमारा साथी जो हमारे साथ माइग्रेट होके यहाँ हिंदुस्तान में आया और प्राइम मिनिस्टर बना, शायद इसका ध्यान जो है हमारी तरफ जाए और हमें इन पीढ़ियों से निजात दिलाए। लेकिन 10 साल उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर जब बारी आई नरेंद्र भाई मोदी की तो हमने सोचा यार कांग्रेस ने तो 60 साल मूर्ख बना लिया, चलो इनको देखते हैं। 5 साल इनको पहले देखा और इस बार हमारे लोगों ने जी जान से मेहनत की, इतना वोट्स दिया कि जिसकी कोई हद नहीं थी। तो अब अभी नई नई सरकार बनी है, हम भी सोचते हैं कह सकते हैं सरकार को थोड़ा समय दिया जाए, और अगर उनके मन में ये मंशा है कि ये हमारे लोग हैं, हमारे ही भारत के लोग, ये भी बहुत शर्म की बात है कि अपने ही मुल्क में 70 सालों से कोई रह रहा है लेकिन उसके पास वोटिंग राइट नहीं डेमोक्रेसी के लिए। मगर डेमोक्रेसी की उन्होंने बात नहीं करनी चाहिए। सही कहा संक्षिप्त कार्यक्रम में श्री लबाराम गांधी ने। हालांकि कहा जाता है अगर कोई बाई एयर है उसमें डिलीवरी किसी की जहाज के अंदर हो जाती है, जिस क्षेत्र से वो जहाज जाता है उस देश की नागरिकता मिल जाती है। 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रहने के बावजूद भी उन्हें अभी तक अधिकार नहीं मिले, फिर भी आशावादी हैं कि अच्छे दिन आएंगे। लबाराम जी आप हमारे यहाँ स्टूडियो में, आपका बहुत धन्यवाद। आपसे भी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।